हाय फ्रेंड्स, जी हाँ, थंबनेल आप लोग सही पढ़ा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा घर का जो वायरिंग है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक उपकरण मार्केट में बहुत अवेलेबल आसानी से मिल जाता है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, इसका नाम है आइसोलेटर स्विच। यह विभिन्न किस्म का मिलता है, जैसे आप 32 एम्पियर का हो गया, 40 एम्पियर का, 60 एम्पियर का। चलिए जानते हैं आइसोलेटर हमारा घर में कैसे काम करता है और हमारा वायरिंग को कैसे प्रोटेक्ट करता है और शॉर्ट सर्किट से भी ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आइसोलेटर ये स्विच पैरेलल में लगाया जाता है, जो हमारा घर में जहाँ से हमारा मीटर कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उसके बाद मीटर के कनेक्शन के बाद जहाँ से वायरिंग घर का शुरू होता है, वहां पर यह पैरेलल में लगाया जाता है। सपोज मान लीजिए घर के लिए 40 एम्पियर का एक आइसोलेटर स्विच लगाया गया। अभी हम जानते हैं कि कैसे यह वायरिंग को प्रोटेक्ट करता है और शॉर्ट सर्किट से या आग से बचाता है। देखिए, घर में हम लोग बहुत सारे अप्लायंस यूज करते हैं, जैसा कि मोटर, एसी, फ्रिज, कोई भी सामान हो गया, या नंगा तार अगर जैसे मान लो किसी जगह में कनेक्शन कर रखा हो। हालांकि कोई सामान जैसे मोटर, पानी वाला मोटर चलते चलते ये अचानक जल गया, इसका वायरिंग जल गया, आपको पता नहीं है, आप ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, ये वायरिंग को पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये कनेक्शन क्या करेगा, एक तार का जो कनेक्शन है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तुरंत जो आइसोलेटर का स्विच है ये तुरंत गिर जाएगा और आपका वायरिंग प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसा मान लो आपका मोटर जल गया तो इसका क्या, वायरिंग मेल्ट हो जाता है। वायरिंग मेल्ट होने के बाद क्या है, न्यूट्रल फेज जल जाता है और न्यूट्रल फेज जल जाने के बाद क्या है, वायरिंग आपका जलने का संभावना हो जाता है। तो इसी के कारण से हम लोग प्रोटेक्टर एज ए प्रोटेक्ट हिसाब से हम लोग अगर इसको लगा दिया जाए तो क्या होता है, इसमें आइसोलेटर की मदद से ये वायरिंग को प्रोटेक्ट कर लेता है और आपका घर में आग लगने का चांस कम हो जाता है। हालांकि ये अगर थंडरिंग से भी ये प्रोटेक्ट करता है, कभी कभी बिजली गिरता है तो इसमें ये भी आइसोलेटर इसका काम देता है, क्योंकि थंडरिंग के टाइम में ये तो कोई भी तार से मान लो अचानक ज़्यादा बिजली आ गया तो ये क्या है, अचानक गिर जाता है तो यहाँ का कनेक्शन कट हो जाता है, तो इसमें घर का वायरिंग हमारा सेफ हो जाता है। तो गाइज, हम लोग सीखा आज कैसे आइसोलेटर का काम, आइसोलेटर स्विच कैसे काम करता है और हमारा वायरिंग को कैसे प्रोटेक्ट करता है और आग लगने की हाथ से भी बचाता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए कि नए नए इन्फॉर्मेशन चलते रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।